छोटे छोटे पीस बनाए गए हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। मैं इन बच्चों की मेहनत को सराहता हूँ, दाद देता हूँ कि यही लड़कियाँ आगे चल के बहुत कुछ कर सकती हैं देश के लिए और ख़ास तौर से इस समाज के लिए। हाँ, बहुत ही मेहनत की गई है। ख़ास तौर से ये बीच का फ्रॉक दिखाना चाहता हूँ, कितना शानदार बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने मेहनत की है। ये हक सेंटर का एक फैशन डिज़ाइन का जो काम कोर्स होता है, उस कोर्स के तहत लड़कियां यहां पे सिलाई सीख रही हैं। देखिए, बहुत ही मेहनत से सब लड़कियां मशीन पे बैठी हुई हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से ये काम सीखे जा रही हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? सानिया। सानिया, क्या कर रही हो? फिल फ्रॉक। अच्छा, ये क्या फिल फ्रॉक है? अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत बना रही हो। अच्छा, ये बताओ कि ये जो छोटा सा पीस अभी दिख रहा है, मगर अगर तुम्हें कोई बड़ा पीस दिया जाए जी, तो बना सकती हो? जी, बना सकती है ना। फिर इसके सिलाई भी महंगी होगी, काम भी महंगा होगा जी, जी। तो इससे बेनिफिट हो सकता है ना? जी, हो सकता है। क्या टारगेट है? मुझे फैशन डिजाइनिंग बनना है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की? अभी बीए कर रही हूं। बीए कर रही हो? अच्छा, आगे पढ़ाई जारी है? कौशल परवीन। क्या करती है यहाँ आके? यहाँ आकर सिलाई करते हैं। सिलाई जी। कितने महीने से आ रही हो? मुझे 3-4 महीने, 4 महीने हो गए। 4 महीने? 4 महीने में क्या सीखा? मैंने सूट सीना सीखे। अच्छा, उस सूट को सीने के बाद ये आइडिया लग गया कि बड़े सूट को सी सकते हैं छोटे वाले सीने के बाद? जी। पढ़ाई कहाँ तक की? सर, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। क्यों, क्या कारण है? हमारे घर में कुछ परेशानी है इस वजह से बस। अच्छा। हाँ, फिर भी कहाँ तक चालू? चौथी पाँचवीं तक? नहीं सर, पहली पे ही छूट गई थी। अच्छा। पापा क्या करते हैं? पापा रक्षा चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक जज्बा है सीखने का? जी, है ना। हाँ। तो ये बच्ची है, पापा छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन इस लड़की के अंदर जज्बा ये है कि इस डिज़ाइन को सीखने के बाद किसी बड़े फैशन डिज़ाइन में जाना चाहती हैं। आयशा कुरैशी। आयशा, ये आपने बनाया? जी। क्या बनाया आपने ये? ये जबलाई फ्रॉक है। जी, जब फ्रॉक है जी। अच्छा, इसको बनाया तो बहुत कुछ सीखना पड़ा होगा तुम्हें? जी। आ गया जी। अच्छा, इसको जब बना लिया इस फ्रॉक को, तो अच्छे से डिजाइन कर सकते दूसरे फ्रॉक में भी? यस। टारगेट क्या है? फैशन डिजाइन में जाना है, बड़े कोर्स करके और कहीं जाना है, या यही रहना है? नहीं, बस 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करना है। बच्चों, ये हक सेंटर का एक हुनर सेंटर है, उर्दू का वर्ड हुनर सेंटर है, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को देखें अगर, तो फैशन डिज़ाइनर के लिए काम आता है। अगर बच्चे यहाँ मेहनत से अगर सीखते हैं तो अच्छे खासे, मतलब ये फ्रॉक देखिए लड़कियों ने बनाया है कितना शानदार तरीके से, ये फैशन डिज़ाइनर में ऐसे बड़े बड़े फ्रॉक बनते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? अज़रा। क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर टेलरिंग सिखाती हूँ और ये मेरी को क्लास है। अच्छा अच्छा, हम दोनों मिलकर ही सिखाते हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ से आइडिया मिला आप लोग को सिखाने के लिए? ये हमने कोर्स किया था पहले। अच्छा, कोर्स किया था जी। फिर शादाब सर ने हमें इनवाइट किया यहाँ के लिए, तो हम लोग यहीं शादाब सर के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, कोर्स करने के बाद तो आगे बहुत चांस मिलता है बहुत कुछ करने का, सीखने का भी। तो अगर आगे हम जाएंगे तो फिर इन बच्चों को कौन सिखाएगा? अच्छा, ये बात जी। तो बेसिकली आपके यहाँ जब बच्चे आते हैं इस तरह की फ्रॉक वगैरह सीखने के लिए, इंटरेस्ट होते हैं या आप लोग इंटरेस्ट डालते हैं? कुछ बच्चे इंटरेस्ट होते हैं, लगाव दिखाते हैं शुरू में आने में, लेकिन जब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उनको लगाव नहीं होता, पेरेंट्स चाहते हैं कि सीखें लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं सीखें, तो इनमें इनको मोटिवेट करते हैं हम लोग कि आप इस तरह सीखिए, आगे ये आपके काम आएगा। और इस कोर्स में ऐसा है कि अगर जिसने 6 महीने यहाँ पर दे दिए, उसने कम्प्लीट फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख लिया, उसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछले बच्चे जा चुके हैं हमारे और वो बताते हैं मुझे कि आज मैडम हम घर में बैठ कर इतनी टेलरिंग कर लेते हैं कि हमारा घर का पापा को सपोर्ट मिल जाती है, घर का खर्चा चल जाता है। तो हम अपने अपने हिस्से, एक एक बच्चे की पढ़ाई यानी अपने छोटे बहन भाई की पढ़ाई अपने हिस्से ले लेते हैं, जो अपने आप मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं। जी जी जी। मैं, आपका नाम? मिसेस मुबीना। जी, मिसेस मुबीना। अच्छा, ये यहाँ के बच्चों ने बनाया है? जी। तो ये जो बच्चों को आप सिखाती हैं, तो बच्चे सीखने के बाद फिर आगे क्या करते हैं? कुछ आगे, कुछ अपने आगे दादा आगे करते हैं और कुछ अपने घर में। नहीं देखिए, ये डिज़ाइन का जो काम है, अगर इसको कोर्स करने के बाद, तो आगे बहुत से ऑप्शन है करने के लिए, तो उस ऑप्शन पर जाते हैं या बस यहीं तक रहते हैं? नहीं, कुछ जाते हैं, कुछ अपने यहाँ तक, अपने घर में सिलाई वगैरह करते हैं, अपने अपने खर्चा निकालते हैं, कुछ और आगे जाते हैं।
जी बेटा, क्या नाम आपका? हुदा कुरैशी। जी? हुदा कुरैशी। अच्छा, कब से यहाँ आती हो? लास्ट टू मंथ्स हो गए। अच्छा, लास्ट टू मंथ्स। क्या क्या सीखा अभी तक? हम लोगों ने यहाँ पे टेलरिंग वगैरह सीखी है और हाँ? टक्स वगैरह, और क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी होती है यहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे स्पेशली। और यहाँ पे दीनियात से रिलेटेड भी मतलब तालीम भी होती है, तो मतलब अच्छा लगता है बहुत। स्कूल जाती हो? नहीं, मैंने 12th पास आउट कर लिया। 12th पास कर लिया। अच्छा, 12th के बाद फिर क्यों ऐसा हुआ कि मतलब? अब मैं इग्नू से ज्वाइन करूँगी साइंस स्ट्रीम से, मुझे बीएससी करनी है। सदर बाज़ार का एरिया है, इस सदर बाज़ार के एरिया के अंदर एक हक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संस्था है। तकरीबन 10 साल से चल रहा है ये संस्था। इस संस्था के डायरेक्टर शादाब साहब हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं इस एरिया में, इस एरिया के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और अलग अलग डिपार्ट, अलग अलग शोबे हैं, सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है और कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर DCA और बेसिक चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर आपको कितनी दिक्कत होती चलाने के लिए, इसे सदाब साहब बताइए। जी, सबसे ज़्यादा तो परेशानी इस बात की है कि हम उस एरिया हैं, ये एरिया का नाम है कुरेश नगर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियों को घर से निकलने में दिक्कत होती है। ये एक पुराने ख्यालात का एरिया है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा करीब में या थोड़े दूर जो है बच्चों को कुछ भी हुनर सीखने भेजने के लिए उनको सोचना पड़ता है। अगर कहीं कोई नई दिल्ली या साउथ दिल्ली के अंदर कोई वारदात या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे इस एरिया में पड़ता है कि सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं बच्चों को स्कूल या ऐसे जो हुनर सेंटर हैं वहाँ से उनका एडमिशन ख़त्म कर देते हैं। तो ये उस एरिया के अंदर है, इसको इसलिए चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, कई लोगों का सामना करना पड़ा है। जो लोग ये बंद कराना चाहते थे कि नहीं ये आपने क्या खोल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पर बेपरदगी होगी, लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई साल से इस संस्था को चला रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर का ज़माना है, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर इस तरह की चीज़ें आती सामने कि बच्चों को, लड़कियों को ख़ासतौर से निकलने देते नहीं हैं। लेकिन ज़माना तो बदल गया सर, कहाँ है अभी आप लोग? जी, बहुत बैकवर्ड एरिया है, एजुकेशन बिल्कुल नाम की भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस एरिया में हम लोग हैं और जो आज का जो दौर चल रहा है, जैसा आपने बताया फेसबुक का, व्हाट्सअप का, तो हमारा ये एरिया तकरीबन 20 साल उन लोगों से पीछे है। दिल्ली में रहने के बावजूद भी चूँकि यहाँ एजुकेशन मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, जो हमसे पहले जनरेशन है वो बिल्कुल उसने एजुकेशन हासिल नहीं की, तो उसका ये सब उसका खमज़ियाना है कि आज जो इस जनरेशन को वो चीज़ भुगतनी पड़ रही है कि वो लोग जो है इनको, लड़कियों को घर से बाहर निकालना, हालांकि ये बिल्कुल मोहल्ले 20 सेंटर में है, उसके बावजूद भी घर से भेजना जो लोगों को दुश्वारी पैदा हो रही है। इस दौरान आपको रजिस्टर्ड भी है, आपका संस्था है, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलता है आपको? जी, कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी होता, तो हम लोग अपने संस्था के थ्रू ही जो भी इसमें ख़र्चा होता है वो संस्था अपने पास से करती है। और कभी गवर्नमेंट एड मिलता भी है, जैसे हमारा कभी NIS से भी रहा है, BHES से भी रहा है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी रहा है। लेकिन अब जैसा हाल फिलहाल है, हमारा भी किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, किसी से कोई, हमें कोई ख़र्चा नहीं मिलता, तो हम अपने संस्था की तरफ से इस चला रहे हैं। अच्छा, जो लड़कियाँ आपके यहाँ सीखने के लिए आती हैं, तालीम से या एजुकेशन में कहाँ तक आती है, पढ़ के 10वीं 12वीं 8वीं क्या कहाँ तक आती हैं? इसमें मैक्सिमम वो लड़कियाँ होती हैं जो 9वीं या 10वीं क्लास पास करने के बाद छोड़ देती हैं कि अब इससे आगे जो पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो मैक्सिमम लड़कियाँ जो वो ऐसी हैं जिन्होंने 9th और 10th से ड्रॉप आउट कर लिया। अगर सर, क्या वजह है कि दिल्ली के अंदर आप हैं, दिल्ली एक सेंट्रल जगह है, 8वीं 10वीं तक ही लड़कियों की तालीम क्यों होती, क्या माइंड सेटअप है लोगों का, क्या वजह है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, माइंड सेटअप सिर्फ यही है कि उन लोगों ने जो हमारे से पहले जनरेशन है उन्होंने खुद तालीम हासिल नहीं की, अब वो उनको ये 9th और 10th भी कराना ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कर दिया है, बस अब लड़कियों की शादी कर दें और वो दूसरे घर चले जाएँ और वहाँ पर काम का संभाल लें। तो सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि इससे पहले जो जनरेशन है उसने तालीम हासिल नहीं की। आप अपने तरफ से इस एरिया के पेरेंट्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे खासतौर से?
बस मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बच्चों को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनको खूब एजुकेटेड करें, खूब पढ़ाई पढ़ने दें। जो लोग पढ़ने, जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनमें उनकी मदद करें, और जितना पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाएं। आज के दौर में आप ये किसी से ये भी नहीं बोल सकते कि पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि आपको 8th से 10th क्लास तक किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आज इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, सेंट्रल की हों या दिल्ली की हों, माइनॉरिटी कमीशन है, आज आपको हर तरीके से हेल्प मिल सकती है। इसलिए मैं बार बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को एजुकेटेड करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।